Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Folk. Hope you are doing really great. So, आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंधी ब्रेकफास्ट. आज की रेसिपी है दाल पकवान, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी, one of my favorite dishes. चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं. Let's get started and check out the recipe. सबसे पहले हम पकवान बना के रेडी कर लेंगे. तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा. इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा. हाथों से मसल के इस तरह से इसमें हम मिला देंगे. और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन. नमक इसमें हम मिला लेंगे स्वाद अनुसार. लगभग 1.5 टीस्पून नमक इसमें हम ऐड कर लेंगे. इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल. हाथों की मदद से सारी चीजों को हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स. अब इसमें हम हल्का गुनगुना पानी ऐड करेंगे और थोड़ा हम कड़क आटा गूंथ लेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा मैंने थोड़ा सा टाइट ही गूंथा है. अब इसे हम 10 मिनट रख देंगे ढककर. 10 मिनट बाद हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, जैसे हम रोटी या चपाती के लिए बनाते हैं. इसे इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और इस पे हम थोड़ा सा आटा डस करके इसे हम रोल कर लेंगे. इसे हमें एकदम पतला रोल करना है. आप देख सकते हैं इसे मैंने काफी पतला रोल कर लिया है. एक फोक की मदद से हम इसमें कट्स लगा लेंगे. आप चाहे तो आप चाकू की मदद से भी इसमें कट्स लगा सकते हैं. तेल यहाँ मैंने ऑलरेडी रख दिया था गरम होने के लिए. तेल एक बार जब गरम हो जाए तब गैस की फ्लेम हमें कर देनी है मीडियम. और पकवान को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे तल लेना है. इसे हमें नीचे की तरफ इस तरह से पुश करते जाना है ताकि ये फूले ना. इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से हमें तल लेना है दोनों तरफ से अच्छी तरह से अलट पलट के, जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. हाई फ्लेम पे ना तले वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और नरम पकेंगी. तो इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं पकवान हमारे परफेक्टली एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. इसी तरह से हमें बाकी के पकवान बना लेने हैं. अब पकवान के साथ सर्व करने वाली हम दाल बना लेंगे. तो यहाँ मैंने लिया है 3 अलग तरह की दाल. अखा मूंग दाल 1 कटोरा, एक छोटा कटोरा, और मूंग दाल ये है पीली वाली 1 छोटी कटोरी, और 1 छोटी कटोरी मैंने ले लिया है चना दाल. इन सभी को मैंने सोक करके रख लिया था लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए. भिगोई हुई दाल बनाने का एक फायदा होता है कि दाल का जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है, ये जल्दी पक के तैयार हो जाती है. तो एक प्रेशर कुकर में मैंने सारे दाल डाल दिए हैं. इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी. इसी के साथ इसमें हम मिला देंगे नमक स्वाद अनुसार. इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी. अब दाल को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है 1 सीटी आने तक. उसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए. जब तक दाल हमारी पक रही है तब तक उसके तड़के की हम तैयारी कर लेते हैं. तो एक बर्तन में यहाँ मैंने ले लिया है लगभग 3 से 4 टेबलस्पून तेल. तेल एक बार जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा. जीरा जब थोड़ा सा चटकने लगे तब इसमें हम मिला देंगे 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई. अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है. प्याज यहाँ हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है. अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे. अदरक लहसुन जब पक जाए अच्छी तरह से तब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टमाटर जिसकी मैंने प्योरी बना ली है. एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़े से मसाले. 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर,
1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सभी को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक ना जाए या फिर मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसमें से तेल भी अलग हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दाल जो हमने पका के रखी है। अब इसे हम एक बार और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर, ताकि सारे मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से दाल में भी आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल हमारी कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसे हम गार्निश कर लेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ। अब हम बना लेंगे दाल पकौन के साथ जो सर्व की जाती है तीखी और खट्टी चटनी को। यहाँ पे मैंने लिया है 5-6 लहसुन की कलियां, 1 कप फ्रेश हरा धनिया, 6-7 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1 कप लिया है फ्रेश पुदीना। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 छोटी कटोरी इमली का पानी। अब इन सभी को हमने एकदम बारीक पीस लेना है इमली का पानी ऐड करके, और हल्का सा इसमें ऐड कर लेंगे हम नमक। इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म दाल पकवान हम सर्व करेंगे तीखी और खट्टी इमली की चटनी के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। होप्स आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।